हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। पेपर की एक कटिंग के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक खुशखबरी सामने निकल के आई है, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ईपीएफओ के द्वारा जो उच्च पेंशन के लिए खारिज हुए आवेदन थे, उनमें सुधार करने का मौका एक बार फिर से मिल चुका है समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों को। दोस्तों, थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है, चाहे पूर्व और वर्तमान नियोक्ताओं को फॉर्म रद्द करने के कारण कर्मचारी को वेतन देना होगा, यानी कि को बताना होगा कि जो उच्च पेंशन के लिए खारिज हुए थे आवेदन, उन आवेदनों में सुधार करने का मौका दोबारा से दिया जाएगा, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए थोड़ा सा इसमें हम लोग डीप में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उच्च पेंशन के खारिज हुए आवेदन, यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने आवेदन भरे थे उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए, उनकी पेंशन नहीं मिली थी, उनके फॉर्म जो तो खारिज हो गए थे, उनमें सुधार करने का एक मौका मिल गया है। ये मौका पूरा कैसा है, आइए थोड़ा सा इसी के ऊपर हम लोग जान लेते हैं। नई दिल्ली से यह जानकारी निकल के आ रही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। नई दिल्ली से ईपीएफओ सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत उच्च पेंशन के लिए किए गए आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं और यह सुविधा ईपीएफओ पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। यदि आवेदन अटक गया है तो उसमें सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके लिए एक महीने का वक्त मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस संबंध में हाल ही में एक निर्देश भी जारी किया है, तो उस निर्देश को भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ में आवेदन को सभी नियोक्ताओं की मंजूरी दे दी गई है। निर्देशों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी पेंशन भोगी का आवेदन नियोक्ता ने खारिज कर दिया है तो उसका कारण बताना होगा। साथ ही साथ में ईपीएफओ द्वारा आवेदन को स्वीकृति करने से पहले सभी नियोक्ताओं को पुराने वर्तमान चाहे जो भी हों, जितने भी हों, सभी को चाहे वो पुराने हों, चाहे नए हों, चाहे वर्तमान के हों, उन आवेदनों को जिनका खारिज हो गया है उनको बताना होगा और नियोक्ताओं को पुराने या वर्तमान को उनके स्तर पर सत्यापन और अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। इस सभी नियोक्ताओं को मंजूरी अनिवार्य होगी। नियोक्ताओं को कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को सत्यापित करना होगा। तो ये अपडेट सामने निकल के आई है। अच्छा, इसको कब तक किया जाएगा, इसका जो डेट है वो डेट भी आप लोग देख लीजिएगा। 30 सितंबर तक का समय नियोक्ताओं आवेदन को स्वीकृति या अस्वीकृति कर सकता है। खारिज करने पर इसका कारण स्पष्ट रूप से आवेदक को बताना होगा। नियोक्ता के पास अपनी ओर से प्रतिक्रिया पूरी करने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। इससे नियोक्ता द्वारा आवेदनों की समीक्षा और सत्यापन के लिए एक निश्चित समावेश समरेखा के रूप में देखा जा सकता है। अरे, थोड़ा सा इसके और डीप में हम लोग बात कर लेते हैं। ईपीएफओ के द्वारा क्या बातें कही गई थी और किन बातों से ये जो तो अपडेट सामने निकल के आया है, आप सबसे पहले तो इस लाइन को आप लोग देखिएगा। इन वजहों से आवेदन अस्वीकार हो सकता है। वजह क्या है आवेदन के अस्वीकार होने की, इसके ऊपर आए थोड़ा सा जान लेते हैं डीप में। कर्मचारी को दो स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। एक, पूर्व नियोक्ता आवेदन को अस्वीकार कर सकता है भले ही दस्तावेज सही हो। दूसरा, पिछले नियोक्ता ने अभी तक आवेदन की समीक्षा नहीं की हो, इसके चलते ईपीएफओ उच्च पेंशन के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या स्वीकार करने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। तो दोस्तों, समझ में आ गया कि क्या स्थिति था। दोनों में नियोक्ताओं के ऊपर ही है, या तो जो पहले नियोक्ता था या जो अभी का नियोक्ता है, उन्होंने समीक्षा अच्छे से नहीं की होगी, इस वजह से हो सकता है। सदस्य के पास उपलब्ध रहेगा यह विकल्प, तो आपके पास में क्या विकल्प रहेगा वो आइए जान लेते हैं अपने आज के इस नए वीडियो में। तो सबसे पहले इस लाइन को आप देखिएगा, यहाँ पे इसके सदस्य के पास उपलब्ध रहेगा यह विकल्प, तो कौन सा विकल्प होगा जो सदस्य के पास उपलब्ध रहेगा, इसी के ऊपर हम लोग जानेंगे। जब कोई कर्मचारी उच्च पेंशन के लिए आवेदन की स्थिति को ट्रैक करेगा तो यह ईपीएफओ के सदस्य सेवा पोर्टल पर दिखाया जाएगा। यदि नियोक्ता ने आवेदन को मंजूरी नहीं दी है तो कर्मचारी को आवेदन में आवश्यक सुधार या अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करने का मौका मिलेगा। इसके लिए अस्वीकृति पत्र जारी होने से एक महीने का समय उसके पास होगा। तो यह भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। 30 दिन का वक्त रहेगा कर्मचारी के पास नए दस्तावेज पेश करने का और आवेदन में सुधार करने की। तो ये है। अच्छा, अब आप लोग जान सकते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप ट्रैक कर सकते हैं, तो टोटल
छह टॉपिक हैं जिनके माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं अपने फॉर्म को। जो पहला नंबर पे है, आइए पहले नंबर की बात कर लेते हैं। पहला नंबर पे है ईपीएफओ के पोर्टल पर आपको जाना है, जो कि आप जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ होम पेज पे सर्विस सेक्शन में जाकर आप फॉर एम्प्लाई का विकल्प को चयन करेंगे, नंबर एक। दूसरे नंबर पे है नए पेज पर फिर सर्विस सेक्शन पे जाएं और मेंबर यूएनए नंबर सर्विस पे लिंक पे क्लिक करें। आपको नए खुलने वाले पेज के नीचे पोर्टल की सेक्शन की तरफ आप देखेंगे तो लिखा रहेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन फॉर हायर पेंशन वेज, लिंक पर क्लिक करेंगे। फिर पावती संख्या यूएन नंबर पीपीओ नंबर की मदद से लॉगिन करना होगा। इसके लिए आवेदन की स्थिति दिखाई देने लगेगी, यदि खारिज हुआ तो रिजेक्ट स्टेटस भी दिखाई देगा। इसके साथ ही रिवाइज्ड का विकल्प भी मिलेगा। इसके लिए नियोक्ता के पास अपने दस्तावेज के लिए दस्तावेज जमा कराने होंगे, नियोक्ता उसके पूर्ण रूप से समीक्षा करेगा। तो ये हो गया दोस्तों देखने के लिए। बाकी आप लोगों को पूरे मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।